दुर्ग शहर में पिछले दिनों हुई आगजनी की घटना में बिल्डिंग में फंसे 3 लोगों को अपनी जान पर खेलकर फंसे लोगों को बचाए जाने पर दुर्ग एसपी ने सभी आरक्षकों को सम्मानित किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गवलीपारा में चांदी के आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री में बीती रात आगजनी की घटना हुई थी, जिसके चलते इस दौरान उस घर में आग लगने से ऊपरी माले में रहने वाले 3 लोग अंदर ही फंस गए थे। सूचना पाकर दुर्ग कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक महिला व 2 पुरुष को रेस्क्यू किया और उसके बाद आग पर काबू पाया। तो अभी मैं देखकर ऑनलाइन मेरे नाम पे नहीं दिखा रहा है, मेरी पुस्तिका प्रमाणीकरण सब हो गए थे। 2122 में जिस विक्रेता ने उसमें से लोन ले लिए थे। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि रात प्रार्थी संदीप कुमार धोरपड़े ने सूचना दी कि उनके घर गवलीपारा स्थित सोने चांदी की फैक्ट्री में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक यहां 2 मंजिल में सोने चांदी के आभूषण बनाए की फैक्ट्री संचालित थी और ऊपर के 2 मंजिल में लोग कारीगर रहते हैं, जहाँ शॉर्ट सर्किट के चलते आग जलने की घटना हुई और सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए मौके पर पहुंचे पेट्रोलिंग टीम के प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर, आरक्षक उत्कर्ष सिंह, चालक आरक्षक नवीन यादव अपनी जान की परवाह किए बिना प्रार्थी के जलते हुए मकान में लगे शीट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। जब इस घटना की जानकारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को मिली तो उन्होंने अपने कार्यालय में 3 आरक्षकों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने दुर्ग शहर के अंदर एक चांदी सोने के काम करने वाले जो कारोबारी हैं उनके घर के निचले फ्लोर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में लगा था, जिसके कारण स्पार्क हुआ और फिर वो स्पार्किंग से आग बढ़ी। पूरी फैमिली चूंकि ऊपर के फ्लोर पे थी और उस आग में फिर फैमिली फंस गई, जिसमें तत्काल पेट्रोलिंग को जैसे सूचना मिली तो दुर्ग कोतवाली की जो पेट्रोलिंग टीम थी वो तत्काल पहुंची और बढ़ती आग को देखते हुए खुद का थोड़ा सा रिस्क लेके उन्होंने पहले जो 3 लोग फंसे हुए थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उनको बाहर निकालने में काफ़ी अच्छा काम किया है और जिसके कारण जो भी जनहानि होने जो संभावना दिख रही थी उसको बचाया जा सका है। तत्काल ही थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी और उसने करीब 3-4 घंटे की मेहनत करके फिर उसको आग पे काबू पाया और जो एक बड़ा लॉस हो सकता था पुलिस के तत्पर प्रयास से वो उसको बचाया जा सका है, तो उसने दुर्ग पुलिस ने अच्छा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।